हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर गाइज आपके पास इंडियन बैंक का एटीएम कार्ड है और आपके पास इलाहाबाद बैंक का जो भी यहाँ पे आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है या फिर फोन बैंकिंग नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि हमको बैंक स्टेटमेंट वगैरह की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में हमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि हाउ टू फाइंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ माई अकाउंट। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर गाइज आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप एटीएम मशीन में विजिट करके आप इस एटीएम कार्ड की हेल्प से अपने बैंक का स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे रिसिप्ट पे। तो गाइज आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए गाइज आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सो लेट्स कम ब्रो। सो सिंपली गाइज, आपको अपने एटीएम कार्ड की हेल्प से अपने किसी भी बैंक का स्टेटमेंट निकालने के लिए गाइज आपको क्या करना है, सिंपली आपको किसी भी एटीएम विजिट करना है और सबसे पहले आपको जो एटीएम कार्ड है आपको किसी भी एटीएम मशीन में इंसर्ट करना है। जैसा कि यहाँ से देखिए, मैं एटीएम कार्ड को इंसर्ट किया हूँ। अब देखिए, जैसे आप एटीएम कार्ड को इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले गाइज यहाँ से अपना एक लैंग्वेज चूज करेंगे। तो यहाँ से मैं इंग्लिश को चूज करता हूँ। अब देखिए, जैसे आप लैंग्वेज चूज करेंगे तो यहाँ पर गाइज आपके मेनू पेज ओपन करके आ जाएगा। तो यहाँ पे गाइज किसी किसी एटीएम में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे स्टेटमेंट का ऑप्शन शो हो जाता है, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, उस ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसा कि देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट का ऑप्शन कहीं नहीं दे रहा है और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन होगा अदर्स का। तो सिंपली ये जो अदर्स वाला ऑप्शन है, इस सामने जो बटन, इसको आप प्रेस करेंगे। अब देखिए, जैसे आप प्रेस करेंगे तो सिंपली यहाँ पे देखिए आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा, एक पिन चेंज का मिलेगा, स्टेटमेंट प्रिंट का मिलेगा और यहाँ पे देखिए अदर्स का है। तो सिंपली गाइस, यहाँ से मेरा जो टॉपिक है वही है कि स्टेटमेंट कैसे प्रिंट करेंगे बैंक स्टेटमेंट का, जो भी लेन देन आप किए रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन स्टेटमेंट प्रिंट का, तो क्या होता है कि किसी किसी एटीएम मशीन में टच वाला होता है तो आप यहाँ टच करेंगे, या फिर गाइस क्या होता है किसी एटीएम में बटन वाला होता है, इसके सामने जो बटन है आप इसको प्रेस करेंगे। अब देखिए स्टेटमेंट वाला बटन आप जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख लिखा हुआ है इंटर योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो भी गैस आपके एटीएम कार्ड का जो भी पिन है उसको आप यहाँ इंसर्ट करेंगे। यहाँ से देखिए एटीएम पिन आप जैसे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है इन प्रोग्रेस है और यहाँ पे देखिए आप इस तरह से रिसिप्ट ओपन करके आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए, जैसा भी देखिए, जहाँ पे आप जो आखिरी लास्ट ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री होगी वो यहाँ पे शो होगा। जैसे कि देखिए डेट वाइज आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस आपका जो बैंक स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पे देखिए शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गाइस, आप यहाँ पे अगर नोटिस करें, यहाँ पे देखिए डी है, सी है, डी है, डी है, डी है। तो यहाँ पे देखिए जो डी का मतलब है फ्रेंड ये है कि आपने इस एटीएम कार्ड की हेल्प से मतलब डेबिट 1500 रुपये डेबिट किया है, और यहाँ पे जो सी का मतलब है और यहाँ पे क्रेडिट है, मतलब कि आपके खाते में 4 रुपये जमा हुआ है। तो यहाँ पे गाइस आप समझ सकते हैं कि डी का मतलब कि आपके खाते से पैसा निकाला गया है और सी का मतलब कि आपके खाते में अमाउंट जमा किया गया है, क्रेडिट किया गया है। तो इस तरह से गाइस आप बहुत ही आप एटीएम कार्ड की हेल्प से अपने किसी भी बैंक का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में गाइस मुझे आपको यही दिखाना था कि आप एटीएम कार्ड की हेल्प से किसी भी एटीएम मशीन से अपने किसी भी बैंक का स्टेटमेंट आप कैसे निकालेंगे। तो आई होप गाइस कि आप वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर गाइस आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।